नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आपकी हेल्प के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे आपके सजेशंस चाहिए, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए आप सभी ने और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सजेशंस मुझे आप सभी की ओर से मिले। तो इस सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी दिनों से मुझे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर दूसरे किसी कंट्री से अगर आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर इंडिया में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार मुझे पूछे गए थे, तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि काफ़ी बार अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो किसी प्रॉब्लम के वजह से आपको वहाँ से इंडियन एम्बेसी से इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया भेज दिया जाता है। तो उसके बाद आप इंडिया में आने के बाद पासपोर्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए ये मेरा पूरा वीडियो। चलिए AI ओ करते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। और ये अपने तरीके का इकलौता चैनल है दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है ऑल इन वन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सभी टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन समय समय पर शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी कोई भी दूसरे किसी कंट्री में अगर आप जाते हैं जॉब पर्पस से, या फिर घूमने के लिए, या फिर किसी भी पर्पस से अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर कुछ दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, या फिर किसी केस में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको सबसे पहले करना ये होता है कि आपको पुलिस कंप्लेंट करनी होती है, और उसके बाद आपको इंडियन एम्बेसी में, मतलब जिस भी देश में आप हैं वहाँ की इंडियन एम्बेसी में आपको कॉन्टैक्ट करना होता है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। पर ये जो पासपोर्ट लॉस से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ पासपोर्ट लॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा हमारी पासपोर्ट इंडिया की प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा। समझ लीजिए, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है और आप इंडियन एम्बेसी में जाते हैं और आपके पास, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आपका पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी रीइशू नहीं करती है और आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया भेज देती है। इस केस में भी दो तरीके हो सकते हैं कि समझ लीजिए आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, मतलब रिटर्न फ्लाइट के भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करती है और आपको गवर्नमेंट के खर्चे पे इंडिया भेजती है, या फिर अगर आप मैनेज कर सकते हैं आपके रिटर्न फ्लाइट के पैसों के लिए, सो आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके खुद के पैसे खर्च करके, मतलब खुद के पैसे से रिटर्न टिकट लेके आप इंडिया रिटर्न आ जाते हैं। तो अभी इंडिया में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों के सामने कि पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई किया जाए। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें सिर्फ कंफ्यूजन ये हो जाता है
कि आपको अगर आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट है तो आपको ये एक मेरी राय बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए पासपोर्ट लेने के लिए इंडिया में आने के बाद। सबसे पहले आपके एरिया का जो भी नियरेस्ट आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ पर आपको जाना है, आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो आपको मिला हुआ होता है वो लेके, और उसके बाद आपको वहाँ पर ये शो करना होता है कि आपका ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट है। तो अगर आप गवर्नमेंट के खर्चे से आए हुए हैं सो अभी ये जो खर्चे की अमाउंट है कि कितनी अमाउंट है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, मतलब किस कंट्री से आप इंडिया में आ रहे हैं रिटर्न, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप गवर्नमेंट के खर्चे से रिटर्न आए हैं तो आपको वो फ़ी वहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में डिपॉजिट करनी होगी, उसके बाद ही आप जो है नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो गवर्नमेंट की फीस है जो गवर्नमेंट ने आपको इंडिया में लाने के लिए खर्च की है, सो वो एज अ चार्ज आपको फिर से रिफंड करनी होती है गवर्नमेंट को। अगर आप खुद के पैसे से आए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली पासपोर्ट रीइशू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रीइशू के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि है passportindia.gov.in। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। पासपोर्ट इंडिया की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंडिंग में दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अंदर आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आपके अकाउंट में लॉगिन करना है क्रिएट करने के बाद, और उसके बाद रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ तक तो काफ़ी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन रीइश्यू के लिए अप्लाई करते वक्त ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली पासपोर्ट लॉस्ट का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, आपको वहाँ पर पासपोर्ट लॉस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेसेसरी जो भी डिटेल्स है वो फिल करके पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है आपके नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र की या फिर पासपोर्ट ऑफिस की, और फिर वहाँ पर आपको आपके अपॉइंटमेंट के डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। सो डॉक्यूमेंट आपको, अगर आपके आपका जो पासपोर्ट गुम हुआ होता है उसकी आपके पास अगर कोई जेरोक्स वगैरह फोटोकॉपी वगैरह है तो वो आप लेके जाइए, या फिर अगर आपके पास जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है तो वो आप लेके जाइए। सो इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी अगर आप लेके जाते हैं तो आपको पासपोर्ट इशू करवाया जा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अभी इस केस में जो है दोस्तों ये डिपेंड करता है पासपोर्ट ऑफिस पर कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए या फिर ना करवाया जाए। तो फाइनल डिसीजन पासपोर्ट ऑफिस का होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र का होता है, और वो वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट किसी भी और डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पासपोर्ट ग्रांटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उनके पास होता है। सो अगर उन्हें और भी किन्हीं डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत होती है तो वो आपको डिमांड कर सकते हैं। सो आपको सारे ही डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने आपको बताए वो सारे ही प्रेजेंट करने होते हैं। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सो इस तरीके से आपको फिर से नया पासपोर्ट मिल जाता है अगर आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर भी इंडिया में आते हैं। तो आई होप कि आपके इमरजेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा 101%। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब के बटन के साइड में आपको बेल आइकन दिखता है वो भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपके साथ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।